कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुई बराक वैली की कद्दावर नेता सुष्मिता देव को टीएमसी बंगाल से राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। और इसकी जानकारी देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीति में उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ममता बनर्जी का यह विजन है। इससे हमारे समाज को और अधिक मदद मिलती है। सुष्मिता देव 16 अगस्त को कांग्रेस छोड़ने के बाद टीएमसी में शामिल हो गई थी। सुष्मिता देव इन दिनों त्रिपुरा में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में जुटी है। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी की एक एक और तमिलनाडु की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया था। इन सभी सीटों पर मतदान 4 अक्टूबर को होगा। आयोग की अधिसूचना के मुताबिक नामांकन की आखिरी तारीख 22 सितंबर है, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 27 सितंबर है। चुनाव की स्थिति में इन सभी सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान होगा। परिणाम 4 अक्टूबर को ही आ जाएंगे।